एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई काम वाली? अच्छा तो तुम ही हो काम वाली, मेरे घर के पौधों में ना जरा पानी डाल दो। माफ कीजिएगा, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। हाँ तो क्या हो गया, काम करने के पैसे ले लेना, कोई फ्री में नहीं करवाऊंगी तुमसे मैं। अरे बात पैसों की नहीं है, मैंने बोला ना मैं काम वाली नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, मैं आपको काम वाली का नंबर देती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए, वो डाल देगी आपके पौधों में पानी, या जो भी काम करवाना हो करवा सकती हैं आप। ये फोन किसे दिखा रही है? मेरे पास ना तुझसे महंगा फोन है, वो भी आईफोन। हाँ तो ठीक है, मैं नंबर बता देती हूँ, आप डायल कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर के पौधों में ना पानी तो मैं तुझसे डलवाऊंगी। तूने ना मेरी ईगो को हर्ट कर दिया है, और जब बात मेरी ईगो पर आ जाती है ना, मैं काम उसी इंसान से करवाती हूँ। बड़ी बदतमीज है आप सच में। लगता तुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। अच्छा जरा बताइए तो सही, मैं भी तो जानू आप है कौन। बेटा तूने मुझे जानती नहीं है कि मेरे पहुंचना कहाँ तक है। मैं यहाँ खड़े होकर ना तुझे तेरा पूरा खानदान याद दिला सकती हूँ। और ये जो तू पीछे प्लॉट्स देख रही है ना, ये सारे प्लॉट्स ना मेरे खरीदे हुए हैं। और वो जो घर है ना पीला वाला आगे, वो भी सारा मेरा है खरीदा हुआ। और मैं चाहूँ ना यहाँ खड़े होकर ना तेरा पूरा खानदान खरीद सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, और मैं भी तब से आपको कह रही हूँ ना मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, लेकिन आप लगातार मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। इतनी देर में आप काम वाली को बुला के ना पौधों में पानी डलवा सकती थी, या जो भी काम करवाना था ना करवा सकती थी, बजे मेरे साथ बहस करने के, समझे ना आप? या तो बहुत शौक चढ़ रहा है आपको मुझसे बहस करने का, मजा आ रहा है क्या? लगता है तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रही, कहा ना तुझे कि मेरी ईगो को हर्ट हो गया है। मेरे घर के पौधों में पानी तो मैं तुझसे ही डलवाऊंगी, बोल चलती है कि नहीं? इतनी हिम्मत है तुम्हारे पास? हिम्मत तूने अभी देखी कहाँ है? वैसे तुझे देख के लग रहा है किसी गांव के गवार उठ के आई है, ऐसे लग रहा है किसी जंगल से आ गई है। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। अच्छा तो क्या कर लेगी तू? गुड आफ्टरनून मैम, मैंने फाइल। मैम तुम इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? अरे मैं इन्हें मैम नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? शायद आप जानती नहीं है ये TBF प्राइवेट लिमिटेड की ओनर है, इतनी जानी मानी कंपनी है, आप उसको नहीं जानती हो मैम? सागर तुम अंदर बैठो, मैं आती हूँ। जी मैम। क्या आप TBF ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर है? एक्चुअली मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। प्लीज़ मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मेरे हस्बैंड भी ना आपकी कंपनी में ही काम करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे हस्बैंड मेरी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है, अब से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की आज ही मैं उसे फायर करवा दूंगी, समझी तुम? और तुम्हें अब गलती का एहसास हो रहा है? हाँ गलती, तब से तुम लगातार मेरे साथ बहस कर रही हो, तब तुम्हें समझ नहीं आती बात कि मैं बोल रही थी मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, और अगर मैं अपने पौधों में पानी डाल रही हूँ तो क्या मैं काम वाली बन जाऊंगी? अपना काम कर लेने से कोई छोटा है बड़ा नहीं हो जाता, समझे ना तुम? और मुझे अपने पौधों से लगाव है, इसलिए मैं खुद काम करती हूँ। और शायद तुम जैसे लोगों को ना बहुत मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में, है ना? बिना सोचे समझे दूसरों को नीचा दिखाते रहते हो, उनके साथ बदतमीजी करते रहते हो, लेकिन आज के बाद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुमने मेरे साथ बदतमीज करके कितनी बड़ी गलती की है, अब घर जाके पछताना, बैठ के रोना। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैम मेरा कसूर है, मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है? अब चाहे कसूर तुम्हारा हो या तुम्हारे हस्बैंड का हो, दोनों बैठ के पछताना घर पे। अब जाओ यहाँ से, नौकरी तुम्हारे पति की जरूर जाएगी, जाओ यहाँ से।